जब से भारतवर्ष में डिजिटलाइजेशन बढ़ा है तभी से हाइब्रिड रिक्रूटमेंट और हाइब्रिड प्लेसमेंट का चलन भारत में बढ़ता जा रहा है और इस फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में सभी हमारे बिजनेस स्कूल्स IIM, IIT, एक्रेड मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट सभी ने हाइब्रिड प्लेसमेंट की ओर अपना रुख किया है और इस साल मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट हुआ है वह जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज IIMs, IIM, IITs या और बिजनेस स्कूल्स या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहां भी रिक्रूटमेंट हुआ है सभी में हाइब्रिड रिक्रूटमेंट तेजी से बढ़ा है। उसके कुछ कारण है, उस सिस्टम को पकड़ने के लिए कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है कि इसमें टाइम सेविंग बहुत अधिक है, यू कैन रिक्रूट द पर्सन वेरी फास्ट। दूसरा, जो हाइब्रिड रिक्रूटमेंट या हाइब्रिड प्लेसमेंट में एक बेनिफिट है, कॉस्ट सेविंग, कि इसमें ट्रेवल कॉस्ट या जो आपकी और अरेंजमेंट कॉस्ट है दैट इज वेरी वेरी लो। थर्ड है मिनिमम स्ट्रेस ऑफ ट्रेवल, वो चाहे कैंडिडेट हो या इंटरव्यू भी हो या इंटरव्यू हो, दोनों को ही काफ़ी कम करना पड़ता है। नंबर चार है अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट्स, हाइब्रिड में आपको बहुत सारी लंबी रेंज मिल जाती है जिनको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपको एक्यूरेसी और फेयरनेस काफी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ सीनियर लेवल प्रोफेशंस, तो इसमें काफी सारी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है और जो बेनिफिट हम ले सकते हैं वो हमें लेना है। इसीलिए हाइब्रिड प्लेसमेंट का चलन डिजिटलाइजेशन के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि यह अभी शुरू हुआ है, यह लगभग 2010 के बाद बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन कोरोना के टाइम में इसने गति पकड़ी और अब लोगों को इसका जो बेनिफिट है वो साफ नजर आने लगे और लोग इधर इसका प्रयोग अधिक करने लगे। कुछ बेनिफिट्स को समझते हैं। सबसे पहली बात है फाइटिंग फॉर टैलेंट इन कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। आज जॉब मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि उसमें टैलेंट हंटिंग एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। सबसे पहली बात तो टैलेंट अट्रैक्शन, उसके बाद टैलेंट रिटेंशन और उसके बाद है टैलेंट डेवलपमेंट। तो ये तीनों प्रोसेस इतनी प्रमुख हो गई हैं कि अब एचआर का सारा समय इन चीजों पर ज्यादा निकलता है। अब पहले की तरह आईआर पर इतना फोकस नहीं है, सबसे ज्यादा फोकस है टैलेंट रिक्रूटमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट, जिसमें सभी कुछ आता है। तो इन चीजों को आप समझिएगा कि मैक्सिमम टाइम टैलेंट मैनेजमेंट पर जाता है। पहले अपने यहाँ टैलेंट आइडेंटिफाई करना, उसको फिर 9-बॉक्स मैट्रिक्स में बांटना, किसको कैसे रिटेन किया जा सकता है, किसकी कहाँ यूटिलिटी सबसे बेहतर हो सकती है, किसको मूव किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ें आज एचआर के लिए बहुत प्रमुख हो गई हैं। इसीलिए जॉब मार्केट में जब भी हम एंटर करते हैं तो हमें टैलेंट को सर्च करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसका एक रीजन है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस हिसाब से मैनेजमेंट मेथडोलॉजी चेंज हो रही है, उस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस में अभी बच्चे तैयार नहीं हो पाते हैं। उसका यह गैप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वर्सेस इंडस्ट्री गैप हमेशा बना रहा है और इस गैप को कम करने के लिए एकेडमिया बहुत तेजी से काम नहीं कर रहा है, यह बात बिल्कुल सत्य है। आइए आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं व्हाट इज हाइब्रिड रिक्रूटिंग, हाइब्रिड रिक्रूटमेंट है क्या। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, यू कैन गेट द मोस्ट फ्रॉम बोथ इन पर्सन और रिमोट हायरिंग टेक्निक्स। तो जो हाइब्रिड है इसमें आप दोनों तरीके को यूज करते हैं, इसमें इन पर्सन भी और
थ्रू टेक्नोलॉजी, भी ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा और इसका रीजन है, इट वुड लिवरेज द एडवांटेज ऑफ इन पर्सन रिक्रूटिंग टू इम्प्रूव कैंडिडेट एक्सपीरियंस वाइल ऑल्सो टेकिंग द बेस्ट बिट्स ऑफ वर्चुअल रिक्रूटिंग। तो आप वर्चुअल रिक्रूटिंग से और इन पर्सन से जब ब्लेंड कर देते हैं तो उसका जो नतीजा आता है वो बहुत बढ़िया आता है, और स्पीड और फेयरनेस दोनों बढ़ जाती हैं। नंबर तीन है, द ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग मिक्स इन पर्सन एंड वर्चुअल टेक्निक्स। अब यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, किसको कैसे। अब प्रिलिमिनरी इंटरव्यू तो मैक्सिमम ऑन कॉल या ऑन फोन ही होते हैं, और उसमें दोनों को बेनिफिट है। आज जितना भी रिक्रूटमेंट से पहले डेटा बैंक कलेक्शन है वो मैक्सिमम ऑनलाइन है। अब ऑफलाइन या न्यूज़पेपर के द्वारा एड बहुत कम या बहुत सीनियर पोजीशंस के तो देखने को मिलेंगे, या जहां कहीं बल्क में करना है वहां मिलेंगे, अन्यथा यही सब होने लगा है। नंबर चार है, द कैंडिडेट स्क्रीनिंग इंटरव्यू प्लेसमेंट एंड ऑनबोर्डिंग थ्रू ऑनलाइन सिस्टम्स। आज की डेट में कैंडिडेट की स्क्रीनिंग से लेकर के सबसे पहले आप अपना जॉब प्रोफाइल तैयार कीजिए और जॉब डिस्क्रिप्शन डाल करके फिर आप अपना कैंडिडेट की जो कॉम्पिटेंसी है या स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो मैच कीजिए, उस हिसाब से कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल कीजिए या आइडेंटिफाई कीजिए, और उसको जब कॉल आ जाए तो उसको आप फिल्टर करके देखिए। तो इन सब में आज की डेट में AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या डिजिटलाइजेशन का बहुत तेजी से प्रयोग बढ़ गया है, उसके हिसाब से अभी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत अधिक हो गई। अब हम बात करते हैं व्हाट इज ऑनलाइन इंटरव्यू। अभी जो मैं बात कर रहा था, अभी बहुत सारे शहरों में कियोस्क बन गए हैं जहाँ जाकर के जहाँ बैठ करके इजीली आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज ने अपने सिस्टम अपने मार्केटिंग ऑफिसेज में या अपनी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में जहाँ जिसके लिए जो नज़दीक पड़ती है उसके लिए अरेंज कर दिए हैं। तो ऑनलाइन इंटरव्यू इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, वी रिक्रूट टारगेट रेस्पोंडेंट। द वर्ड इज टारगेट रेस्पोंडेंट, वी आर नॉट रिक्रूटिंग एनी टॉम एंड हैरी, वी आर रिक्रूटिंग द टारगेटेड रेस्पोंडेंट्स फ्रॉम आवर पैनल फॉर द क्लाइंट टू कंडक्ट इंटरव्यू विद देम ऑनलाइन। तो आज जितनी प्लेसमेंट एजेंसीज हैं या और जो इस तरह की कंपनियां हैं जो इस काम में जुड़ी हुई हैं या जो इस तरह की एजेंसियां हैं वो सब ऑनलाइन करने लगी हैं, तो अभी टाइम और एक्यूरेसी बहुत तेजी से बढ़ गई है। ऑल द क्लाइंट्स नीड द इंटरनेट एंड स्क्रीन सेटअप। इसके लिए दो ही चीज चाहिए, इंटरनेट की लाइनें अच्छी हो, उसकी ब्रॉडबैंड बहुत बढ़िया हो और स्क्रीन सेटअप अच्छे से हो। वाइल अनेबल देन इंटरव्यू द रेस्पोंडेंट फ्रॉम देयर ऑफिस, वह इंटरव्यूई चाहे तो अपने ऑफिस से दे सकता है या मार्केट में जो प्लेसेस डेवलप हो गए हैं वहां जाकर दे सकता है या अपने घर से दे सकता है यदि उसने अपने सारे इक्विपमेंट उसके पास हैं। तो यह ऑनलाइन इंटरव्यू का सिस्टम है। आज की डेट में बहुत सारे एप्स डेवलप हो गए हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जैसे गूगल मीट है और बहुत सारे इस तरह के सपोर्ट्स हैं, जूम है, तो उनके द्वारा आप कर सकते हैं। पहले स्काइप पे था, तो अभी आप अपना कनेक्ट करके उन चीजों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानना चाहते हैं द बेनिफिट्स ऑफ द हाइब्रिड रिक्रूटमेंट अप्रोच। इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कीप अप विद कंपटीटर्स, आप अपने आप को अपने कंपटीटर्स से आगे रखते हैं, क्योंकि आपके पास यदि इस चीजों की अप्रोच है तो आप मार्केट में सबसे पहले अच्छे टैलेंट की सर्च में जुट जाते हैं। नंबर दो है फ्यूचर प्रूफिंग, आप जिस भी कैंडिडेट को ले रहे हैं उसके फ्यूचर को आप प्रूफ कर सकते हैं, तो पूरी तरह से आपको फिल्टर करने की या और चीजों को समझने की आसानी रहती है। नंबर तीन है कल्टीवेटिंग योर एम्प्लॉयर ब्रांड, आप मार्केट में अपने ब्रांड की जो विजिबिलिटी है या गुडविल है या ब्रांडिंग है वो बहुत तेजी से कर रहे हैं कि दिस ऑर्गेनाइजेशन गुड,
this organization is average, this organization is number 3, whether we have to join or not to join, we will decide. तो आज मार्केट में ये सब चीजें करने में आपका जो हाइब्रिड रिक्रूटमेंट सिस्टम है वो काफी मदद कर रहा है. नंबर 4 है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज फास्टर. हाइब्रिड सिस्टम में बहुत तेजी से आप काम कर सकते हैं. जो अच्छी कंपनियां हैं वो तो पहले से शैडो रिसोर्सिंग करके रखती हैं, या कितना उनके यहाँ हर साल एट्रिशन रेट है एम्प्लॉय एट्रिशन के हिसाब से, या अपने बिजनेस की नीड कि मेरे आने वाले पिछले सालों में क्या नीड रही है और आगे 2-3 साल में क्या क्या नीड जेनरेट होने वाली है, उस सब का एनालिसिस करके लोग अपने यहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऑन करते हैं. कुछ लोग बल्क में करते हैं, कुछ लोग जैसे जैसे नीड आती है वैसे वैसे उसमें से पाइपलाइन में से अपने यहाँ टैलेंट पाइपलाइन डेवलप करके उसमें से निकालते जाते हैं. नंबर है हाइब्रिड रिक्रूटिंग मॉडल्स. आज की डेट में मार्केट में कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं, वह भी एक अच्छे एचआर एग्जीक्यूटिव को या अच्छे एम्प्लॉयर को या अच्छे रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट को पता होना चाहिए. आज रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट काफी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो क्वालिटेटिव कंसल्टेंट्स हैं वो गिने चुने ही हैं, उनको आप फिंगर टिप्स पर काउंट कर सकते हैं. उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हम इन चीजों के महत्व को अभी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं. तो सबसे पहला हाइब्रिडिंग रिक्रूटिंग मॉडल है ब्लेंडेड अप्रोच. यह लोअर पोजीशंस के लिए बहुत अलग तरीके से यूज होता है और सीनियर पोजीशंस के लिए वर्चुअल किया जाता है. तो यह दोनों आप ब्लेंड करते हैं कि सीनियर पोजीशंस की कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी मूवमेंट बहुत कॉन्फिडेंशियल रहती है, इसलिए उनको आप वर्चुअल कीजिए. और जो लोअर पोजीशंस हैं जहां बल्क में आप रिक्रूटमेंट करते हैं, जैसे फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव्स हैं या शॉप फ्लोर एग्जीक्यूटिव्स हैं या और लोग हैं, वह आप लोअर पोजीशंस जितनी भी हैं उन सबको इंटरव्यू सिस्टम से फिल कीजिए. दूसरी आती है कंपोजिट अप्रोच. इसमें सबसे पहला काम होता है होस्ट वर्चुअल कैरियर फेयर्स. आप फेयर लगाइए, वहां लोग इकट्ठे होंगे, अपने अपने लेकर के आएंगे और आप उनसे फिर डिसाइड कीजिए. दूसरा है इन पर्सन रिक्रूटिंग इवेंट थ्रू द रिक्रूटमेंट फनल. आप जो आपने फनल तैयार की है, बहुत सारे लोग कैंपस में जाकर कैंपस इंटरव्यू करते हैं, बहुत सारे लोग जॉब फेयर से निकालते हैं, बहुत सारे एड देकर निकालते हैं, तो आपने जो अप्रोच जिस तरह से डेवलप किए, या बहुत सारे लोग एम्प्लॉय मिक्सिंग के लिए कभी नॉर्थ से सेलेक्ट करते हैं, कभी साउथ से सेलेक्ट करते हैं, कभी ईस्ट से सेलेक्ट करते हैं, कभी वेस्ट से सेलेक्ट करते हैं, कभी सेंट्रल इंडिया से सेलेक्ट करते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉय ब्लेंड को, एम्प्लॉय मिक्स को कैसे रखना चाहते हैं. क्योंकि यह भी देखने को आता है कि जब एक पर्टिकुलर लॉबी के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में वो ही लॉबी हावी होने लगती है. तो एचआर का यह भी काम है कि वह कंपोजिट अप्रोच से इन चीजों को ब्रेक करता रहे. नंबर 3 है साइक्रोनस अप्रोच. इस अप्रोच में सबसे बड़ा यह क्या है कि इसमें वर्चुअल और इन पर्सन दोनों एलिमेंट को जोड़ करके कैंडिडेट को चूज किया जाता है, वेदर दे वांट टू अटेंड इन पर्सन और वर्चुअली उससे पूछा जाता है कि आप किसको प्रेफर करते हैं. क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इन पर्सन ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो ऑफलाइन में ठीक से अपनी बात को इंटरव्यू बोर्ड को समझा नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि आज भी इन पर्सन इंटरव्यू सिस्टम इज द बेस्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम. तो हमें इन चीज़ों को, इन अप्रोचों को पकड़ना होगा. आइए बात करते हैं हाइब्रिड रिक्रूटिंग स्ट्रेटजीज. अपनी अपनी कंपनी की अलग अलग स्ट्रेटजी है, कौन किस पर कैसे काम करता है, अब उन स्ट्रेटजी को समझते हैं. सबसे पहले है कैंडिडेट स्क्रीनिंग. जॉब प्रोफाइल बनाइए, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार कीजिए, क्वालिफिकेशन और स्किल सेट उसका आप अपने हिसाब से, अपने डेटा बैंक से या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने रिसोर्स से आप कलेक्ट कीजिए. नंबर 2 पर आता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग. जब आपने वो डेटा इकट्ठा कर लिया तो आपने उसकी एप्लीकेंट की ट्रैकिंग, उसमें से आपको फिल्टर करना है तो कुछ अच्छी कंपनियां आज की डेट में
अपने रिक्रूटमेंट में साइकोमेट्रिक टेस्ट को बहुत महत्व दे रही है. दे वांट टू नो वेदर दैट जेंटलमैन इज फिट इन अवर कल्चर और नॉट फिट इन अवर कल्चर. तो वह साइकोमेट्रिक टेस्ट करती हैं, उसके माइंड का, उसका जो टैलेंट का, उसका माइंड सेट है, उसको चेक करना चाहते हैं कि उसमें पोटेंशियल अभी कितना बाकी है, कितना वो ग्रो कर सकता है. तीसरा, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसको भी समझना चाहते हैं कि उसने कहाँ कहाँ, किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में, किन किन पोजीशंस पर, किन किन लोकेशंस में या किस किस कैपेसिटी में काम किया है, उसको समझना चाहते हैं. और डॉक्यूमेंटेशन, तो यह है एप्लीकेंट ट्रैकिंग में जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसका हिस्सा है. नंबर तीन, हम बात करते हैं फोर इंटरव्यू. जब हमने वो सब चीज़ देख ली जो हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट से भी पास हो गई, जिनका पास्ट रिकॉर्ड हमें मैच करता है, तब हम इंटरव्यू प्रोसेस में चालू होते हैं. तो जो फोर इंटरव्यू है उसमें हम क्या क्या चीज़ जानते हैं. एक तो एम्प्लॉय का माइंड सेट कि वह हमारी कल्चर में कितना फिट होगा. नंबर दो, उसका माइंड सेट कौन सा है, क्योंकि आज की डेट में एक भी एम्प्लॉय यदि नेगेटिव माइंडसेट का आ जाता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को खा जाता है. तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है फ्यूचर एस्पिरेशंस उसकी क्या हैं. अतः हमें इन चीजों को जानना फोन इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू बहुत आसान होता है, जल्दी होता है. नंबर चार है वीडियो इंटरव्यू. यदि कोई हम किसी कैंडिडेट को टेलीफोनिक इंटरव्यू से भी क्रॉस कर जाते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं, तो फिर हम उसको फिजिकल अपीयरेंस या जो इंटरव्यू के डाउट्स हैं उनको रिमूव करना और सैलरी की डिटेल्स, क्योंकि कुछ सीनियर पोजीशन पर सैलरी की डिटेल या मिडिल मैनेजमेंट लेवल पर सैलरी की डिटेल्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. सैलरी भी आज की डेट में एक बड़ा पैमाना है और जो हर साल मार्केट रेट वर्सेस इंडिविजुअल सैलरी को हमें मार्केट करेक्शन के हिसाब से करेक्ट करना पड़ता है. नंबर नेक्स्ट, हम बात करते हैं वर्चुअल ऑन बोर्डिंग कि जब हमने ये सारी प्रोसेसेस कंप्लीट कर ली, एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, तो आज की डेट में सब कुछ जो ऑन बोर्डिंग है वो वर्चुअल कर दी गई है. आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, अपने जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस के पेपर्स हैं वो सब सबमिट कीजिए, आपका जितना डॉक्यूमेंट एकेडमिक एजुकेशन का है वो सब सबमिट कीजिए, ताकि आपका पर्सनल डेटा बैंक एक तैयार हो जाए. कुछ कंपनियां बहुत सारी डिटेल मांगती हैं, कुछ कंपनियां बहुत सारी पॉलिसीज उनकी अपनी होती हैं जो एम्प्लॉय से पढ़ने के बाद सिग्नेचर करके मांगती हैं, या लास्ट में एक लाइन का कमिटमेंट मांगती हैं, आई हैव रीड ओवर एंड आई हैव अंडरस्टूड दीज पॉलिसीज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाद में समझ में आने के लिए आवश्यक है. तो ये ऑनबोर्डिंग रिक्रूटमेंट सिस्टम आज की डेट में वर्चुअल रिक्रूटिंग प्रोसेस का हिस्सा है. बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट. मैंने आपसे बात की ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में सिलेक्शन करते हैं, तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के क्या क्या बेनिफिट है. सबसे पहले है फार वाइडर एप्लीकेंट्स, आपको बहुत अच्छे बहुत दूर से कैंडिडेट मिल सकते हैं. टैलेंट पूल फ्रॉम विच टू अट्रैक्ट कैंडिडेट एंड कैन डिलीवर मैनी मोर एप्लीकेशंस फॉर वैकेंसीज. दूसरा है सोर्सिंग न्यू कैंडिडेट्स, आप नए कैंडिडेटों को भी मांग सकते हैं. नंबर तीन है टारगेटिंग पोटेंशियल कैंडिडेट, आप उन कैंडिडेट पर फोकस कीजिए जो पोटेंशियल हैं, आज की रिक्वायरमेंट भी पूछे कर रहे हैं और आने वाली बिजनेस की जो कल की रिक्वायरमेंट होंगी, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपने पकड़ी हुई है उस सब को भी वो पकड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनकी पोटेंशियल को भी आप चेक कीजिएगा. नंबर तीन, इसमें एक बात और भी आती है कि उनका जो देखने का नज़रिया है किसी स्पेशलिटी स्किल को, वो भी आप वहाँ जज कर सकते हैं. नंबर नेक्स्ट है ऑनलाइन एप्लीकेंट स्क्रीन सेव टाइम एंड मनी का, आपको इतना अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, वहाँ से आप बहुत सस्ते में और बहुत बल्क में बहुत सारा डेटा आप हायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं या अच्छे कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं. यह कैंडिडेट के लिए भी बेनिफिशियल है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी. अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन विद एप्लीकेंट इज फास्टर एंड एफिशिएंट. आप फोन घुमाइए, आराम से कैंडिडेट से बात कीजिए, वो कहीं भी हो, किन्हीं भी परिस्थिति में हो, यदि वह इंटरव्यू
की परिस्थिति में होगा तो इंटरव्यू देगा, नहीं तो वो आपके साथ टाइम सेट करेगा, सर आई एम बिजी दिस टाइम, आई विल बी फ्री ऑन सच एंड सच टाइम, देन वी कैन डिस्कस। तो यह प्रोसेस बहुत फास्ट काम करती है। नंबर नेक्स्ट है, ई रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस कैन बूस्ट द ब्रांड इमेज। आप जितने लोगों से कनेक्ट करेंगे उतने लोगों के दिमाग में कंपनी की एक इमेज छोड़ेंगे। अब वो आप इंटरव्यू प्रोसेस में किस तरह की इमेज छोड़ रहे हैं, ये आपकी इंटरव्यू टीम की या सिलेक्शन टीम की अपनी अपनी एबिलिटी और उनका स्किल सेट है। नंबर नेक्स्ट है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट अनेबल्स द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यह मैनेजमेंट को, प्रबंधन को, जितने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस हैं सबको बहुत इजीली एनेबल करता है, चाहे वो एप्लीकेशन सिलेक्शन हो, इंटरव्यू हो, क्वेश्चन हो, देयर नेगोशिएशंस ऑफ सैलरी हो, क्वेरीज ऑन देयर क्वेश्चंस हो, या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में उनकी साइक्रोमेट्रिक अप्रोच हो, या उनके कुछ और डाउट हो, उन सबको बड़ी तेजी से, क्योंकि आप ऑनलाइन पर ईमेल मंगा सकते हैं, तो ईमेल का जवाब जब भी आपको टाइम मिले तब आप दे सकते हैं, तो आपके तो शेड्यूलिंग बहुत इंटैक्ट रहती है और प्रोसेस का टाइम बचता है। नंबर नेक्स्ट है, इम्प्रूव ब्रांड इमेज एंड एम्प्लॉयर ब्रांड स्पेशली इफ द वेबसाइट एंड इंफॉर्मेशन ऑन साइट एंड थ्रू द सोशल मीडिया इज अट्रैक्टिव मेकिंग एप्लीकेंट वांट टू अप्लाई फॉर ए रोल। तो इसमें तीन चीजें आपको समझने की है। नंबर वन, कंपनी की वेबसाइट कितनी अप्रोचेबल है और कितनी ब्यूटीफुली डिजाइंड है। नंबर दो, उसमें इंफॉर्मेशन आपने कंपनी के बारे में क्या क्या, कितनी एक्यूरेट और कितनी अपडेटेड डाली हुई है। बहुत सारे लोग एक बार वेबसाइट बनाते हैं, सालों तक अपडेट नहीं करते, तो फिर मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन बाहर क्या लीक होती है कि दे आर नॉट टेकिंग स्पीडी एक्शंस। ऐसे ही और बहुत सारे इशू हो सकते हैं जिनको आपको इन तीन चीजों से कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर वन वेबसाइट, नंबर दो इंफॉर्मेशन ऑन साइट, नंबर थ्री सोशल मीडिया, हाउ यू आर रिएक्टिंग ऑन सोशल मीडिया। नंबर नेक्स्ट है, क्रिएट बेटर इनबाउंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच अट्रैक्ट पैसिव कैंडिडेट एज वेल एज द एक्टिव कैंडिडेट। अब आप एक्टिव और पैसिव कैंडिडेट को समझते हैं, कौन कौन से आपकी रिक्रूटमेंट क्या है, या शैडो रिसोर्सिंग में आप किनको या टैलेंट पाइपलाइन में किनको रखना चाहते हैं, यह आपकी नीड पर निर्भर करता है। तो ये कुछ बड़े बेनिफिट हैं जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के हैं, और जो ऑफलाइन के हैं वो पहले से चली आ रही है, तो उनके बेनिफिट्स को आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, तो जो ऑनलाइन के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका एक ही पहलू हो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। नंबर वन, रिलाइज ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स टू यूज इट। अब कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी जो एबिलिटी टू यूज टेक्नोलॉजी है वो अभी उतनी अपग्रेडेड नहीं है, इसलिए वो उस पर रिलाई नहीं करते हैं, और आपकी टेक्नोलॉजी कितनी हाई ग्रेड की है, तो इन दोनों चीज़ों का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। तो जो इन चीज़ों में मार खा जाते हैं वो इसका बड़ा डिसएडवांटेज उनके जीवन में आता है। जैसे जो रूरल बैकग्राउंड के कैंडिडेट अच्छे अपॉइंट करना चाहते हैं लेकिन रूरल बैकग्राउंड में टेक्नोलॉजी या आपकी ईमेल लाइंस ठीक से काम नहीं करती हैं और उन बच्चों को आप उठा नहीं पाते हैं, जबकि उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी अर्बन एरिया से काफ़ी अच्छी होती है, यह पास्ट में डेटा प्रूव कर चुके हैं। नंबर दो, द वाइडर पूल ऑफ एप्लीकेंट कैन मीन वास्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस टू प्रोसेस। कई बार बहुत सारा डेटा आ जाता है जिसमें से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन क्रिएट्स द डाउट इन द माइंड ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन द माइंड ऑफ कैंडिडेट। और कभी कभी ज्यादा डेटा से फिल्टर करते करते हमसे गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये एक इसका जो एक्यूरेसी का नंबर है वो कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि हम एक्यूरेसी मिस कर जाते हैं क्राउड में से। नंबर तीन है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट इज ओपन टू फ्रॉडुलेंट एप्लीकेंट्स। कभी कभी जो लोग लिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं,
तो आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। कुछ लोग बायोडाटा बहुत अच्छा बनाते हैं, रिज्यूम बहुत अच्छा लिखते हैं, मार्केट से प्रोफेशनल्स बैठे हैं उनसे बनवा लेते हैं, जब आप उनका इंटरव्यू करते हैं तो मिलता नहीं है, कैंडिडेट में उतना पोटेंशियल निकलता नहीं है। तो पॉसिबली फ्रॉम कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ बायोडाटा आ जाते हैं। दूसरा, आपकी मार्केट में क्या आपके यहाँ वैकेंसी है, गलत खबर भी उड़ाई जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको इंटैक्ट रखने के लिए, इसीलिए आपको दोनों हाइब्रिड को ऑफलाइन ऑनलाइन का ब्लेंड करना जरूरी है। नंबर चार है, ऑनलाइन ओनली रिक्रूटमेंट मेथड कैन ओमिट द इनसाइट प्रोवाइड फ्रॉम फेस टू फेस मीटिंग्स और इंटरव्यूज, ये एक तरीका है। नंबर नेक्स्ट है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैन फील टू इनफॉर्मल विच कैन लीड टू द सर्टेन पोजिशंस मेनली हाई एक्सपीरियंस्ड और नाइच नॉट अप्लाइंग। ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है इसमें कभी कभी कुछ लोग जो बहुत हायर पोजिशंस के होते हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं, उनको आपको अप्रोच करना है। तो ये कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेज हैं जिनको आपको समझकर अपनी कंपनी की पॉलिसी को जानकर उचित निर्णय लेना आपके हाथ में है। अब हम बात करते हैं सम रिक्रूटमेंट मेथड्स यू कैन यूज और यू कैन इंक्लूड टू इम्प्रूव योर हाइब्रिड प्लेसमेंट सिस्टम। क्या है? नंबर वन, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। आप अपने हिसाब से सोचिएगा, क्योंकि मेरे को किस एरिया में, किस ज्योग्राफी में, किस पोजीशंस पर, किधर इस तरह की स्किल सेट के लोग ज़्यादा मिलते हैं, वो सब पहले से एनालाइज करना आवश्यक है। नंबर दो, टैलेंट पूल डेटाबेस। मेरे पास किस तरह का टैलेंट अवेलेबल है, मुझे किस तरह का टैलेंट रिक्रूट करना है। नंबर नेक्स्ट है, एम्प्लॉई रेफरल्स, जो आपके अपने एम्प्लॉई हैं। कभी कभी वह सिस्टम बहुत एक्यूरेट है, अच्छे कैंडिडेट बहुत अच्छे तरीके से कम खर्चे पर मिल जाते हैं, और कुछ कंपनियां एम्प्लॉई रेफरल्स में जो रेफरेंस देता है उसको मनी भी पे करती हैं, बिकॉज दे आर सेविंग सो मच मनी। नंबर नेक्स्ट है, रीहायरिंग पास्ट एम्प्लॉयज। कुछ कंपनियां लेती हैं, कुछ कंपनियां नहीं लेती हैं। मैंने अपने 38 साल के एक्सपीरियंस में 3 कंपनियों को अलग अलग तरीके से देखा है। एक कंपनी जो एक बार रिजाइन कर गया वो बिल्कुल नहीं लेती, एट एनी कॉस्ट दे विल नॉट रीहायर। एक कंपनी जो जैसे जैसे उसकी ज़रूरत आती है वह लेती है, नहीं लेती है, दोनों का ब्लेंड मिक्स करती है। एक तीसरी कंपनी है जो एग्जिट इंटरव्यू पर बहुत भरोसा करती है, बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, उसके यहाँ एम्प्लॉय बहुत छोड़ते हैं। तो जिन कैंडिडेट का एग्जिट इंटरव्यू के टाइम पर रिकमेंडेशन यह लिखी गई थी कि नौकरी छोड़ने का कारण उसकी मिनिमम सैलरी या ज्योग्राफिकल या घर की कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कॉम्पिटेंसी और उसका स्किल सेट इशू नहीं था, उनको रिहायर करने में जरा भी परहेज नहीं करती। तो यह आपको देखना है कि मेरे यहाँ कौन सी टेक्निक काम कर सकती है। नंबर सात, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। मैनेजमेंट एम्प्लॉय मोबिलिटी की पॉलिसी बनाकर लोगों को ट्रांसफर कर सकती है, और प्रमोशन दोनों के लिए हितकार है, मैनेजमेंट को भी अपने इंटरनल टीम को प्रमोट करके ब्रांडिंग और उनकी लॉयलिटी अच्छी मिलती है। नंबर दो, जो ट्रांसफर होते हैं तो एक कल्चर से दूसरी कल्चर के जो लोग आते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग बनने में टाइम लगता है, यहाँ कल्चरल समझने में ज़्यादा टाइम लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की सभी लोकेशन पर सेम कल्चर डेवलप होने का जो तरीका है वह एम्प्लॉय मोबिलिटी के द्वारा पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज। वो प्राइवेट एजेंसी हो सकती हैं, गवर्नमेंट के अपने हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर पोजिशन। नेक्स्ट है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज। नेक्स्ट है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मैं IIM, IITs, बिजनेस स्कूल्स, एक्सेलराई या और की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसेस। यह पिछले देख कुछ सालों में ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा है कि आप अप्रेंटिसेस पर जब ट्रेनिंग के लिए या इंटर्नशिप पर जो अच्छे कॉलेजेस से बच्चे लेते हैं तो उस टाइम उनके कुछ फिल्टर करके अपने यहाँ इंटर्नशिप पर या अप्रेंटिसशिप पर रखिए। इफ़ दे आर परफॉर्मिंग एज पर योर नीड then you can hire them. This is good for both the candidate as well as the management. क्योंकि आपके उसका जो
सॉफ्ट स्किल है और टेक्निकल स्किल है, उस दोनों को जज कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ कंपनियां इंटर्नशिप में और अप्रेंटिसशिप में काम ही नहीं देती हैं, सो फ्लोर पर जितने नंबर होते हैं उन नंबरों से काम चलाती है, तो ये बच्चे आते हैं और खाली घूमते रहते हैं। तो इसके दोनों चीज़ें समझना बहुत आवश्यक है। तो मैनेजमेंट पहले से कितना प्रिपरेशन करके उनके इस प्रोसेस के ट्रैक को इन प्लेस करती है, यह उस पर निर्भर करता है। नंबर नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट इवेंट्स करिए। जैसे मैंने आपको रिक्रूटमेंट फेयर्स की बात की थी, कभी कभी गवर्नमेंट अपने यहाँ कराती हैं अपने अपने स्टेट में, कभी कभी कंपनियाँ करती हैं, कुछ कंपनियाँ किसी और तरीके से इवेंट करती हैं, कुछ कंपनियाँ आज की डेट में जिनको अच्छा रिक्रूटमेंट चाहिए वो कुछ कॉलेजेस में जाकर के कुछ कैंडिडेट को पहले से स्कॉलरशिप दे करके करती हैं। तो अलग अलग तरीके का अपना अपना तरीका हो सकता है, किसको कौन सा सूट करता है यह उसकी नीड पर और उसकी सिस्टम की एक्सेप्टेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ माउथ, वो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का विषय है। आप मार्केट में कितने हैं, कुछ लोग अच्छी कंपनी को जैसे टाटाज हैं, आदित्य बिड़ला ग्रुप है जो प्राइवेट कंपनी है, या पब्लिक सेक्टर में भारत पेट्रोलियम सबसे ऊपर आता है पेट्रोलियम कंपनीज में, या फिर आपकी और बहुत सारी अच्छी कंपनियां मैं कह सकता हूं जिनका मार्केट में उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप कर ली है। नई ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत करते जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें लोग इंटरव्यू देने ही मना कर देते हैं, कैंपस में जाते ही नहीं है कि मुझे ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है। तो उनको अपना वर्ड ऑफ माउथ को ठीक करना होगा। यह एक दिन की प्रोसेस नहीं है, यह लंबी प्रोसेस है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इथिकल और वैल्यूज, इथिक्स और वैल्यूज पर बहुत काम करना होता है, क्योंकि कुछ कंपनियां रिक्रूट करती हैं और फिर हायर और फायर करने में दोनों में देर नहीं करती है, ना हायर करने में देर करती है ना फायर करने में। कुछ कंपनियां फायर नहीं करती हैं, वो एम्प्लॉय को फ्रीडम टू एक्ट देती हैं। एक पोजीशन पर आप काम नहीं कर पा रहे, दूसरी पोजीशन पर काम कर लेते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ आपकी ब्रांडिंग बनाने के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, और इससे अच्छे लोग, अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट होता है। सीनियर पोजीशन पर अच्छे लोग उन्हीं कंपनियों में जाना पसंद करते हैं जहां उनको लगता है कि मेरा वैल्यू सिस्टम उस कंपनी के वैल्यू सिस्टम के साथ मैच करता है। नेक्स्ट है बुलेटिन्स बोर्ड्स, कुछ अपने अपने बुलेटिन्स निकालते हैं, उसके थ्रू डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, जरूरत पड़ती है तो उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ हाइब्रिड रिक्रूटिंग, अब हाइब्रिड रिक्रूटिंग की हम बात कर रहे हैं, उसके भी कुछ बेनिफिट हैं, उनको समझते हैं। नंबर वन, इंक्रीज रीच एंड डाइवर्सिटी ऑफ कैंडिडेट। ये दोनों चीज़ों को आप कैंडिडेट के पास रीच को भी बहुत बढ़ाता है, क्योंकि ऑनलाइन है, आपको फिजिकली मूव नहीं करना है, आपको टेक्नोलॉजिकली या डिजिटली मूव करना है। और दूसरा डाइवर्सिटी ऑफ कैंडिडेट, जहाँ जितना जिस तरीके से मिल सकता है वहाँ तक आप जा सकते हैं। नंबर दो है इम्प्रूव कैंडिडेट एक्सपीरियंस, आप एक बार नहीं दो बार बात कर सकते हैं, तीन बार बात कर सकते हैं, डाउट को रिमूव कर सकते हैं, एम्प्लॉय की नीड को समझ सकते हैं, एम्प्लॉय के बैकग्राउंड को ठीक से समझ सकते हैं। नंबर तीन है रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग, ये बहुत मेजर एरिया है जिसमें दोनों टाइम भी सेव होता है और कॉस्ट भी बचती है, क्योंकि सीनियर लेवल के लिए इंटरव्यू करना, टाइम निकालना, पहले सब फाइव स्टार होटल्स में या कहीं अलग किसी सेपरेट जगह पर होता था, अब उसके लिए ऑनलाइन हो गया है तो आप घर से दोनों बात कर सकते हैं। तो अभी जितना भी सीनियर पर्सन्स का रिक्रूटमेंट है वह सब हाइब्रिड में काफ़ी इफेक्टिव हो गया है।